द क्वेश्चन इज आफ्ताब टेल्स इज डॉटर सेवन ईयर्स गो आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन क्या कहते हैं अपनी बेटी से कि सात साल पहले की मैं बात करता हूँ सात साल पहले मैं तुमसे सात गुना था जितनी एज तुम्हारी थी उससे मैं तुमसे सात गुना था और थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ आज से तीन साल बाद आई शेल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी मैं तुमसे तीन गुना हो जाऊंगा जितनी तुम्हारी तब एज होगी ठीक है तो हमें इसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है अल्जाब्रिकली भी करना है और ग्राफिकली भी करना है पहले तो हमें एज नहीं पता दोनों की हम कंसिडर करेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब एंड लेट द एज ऑफ डॉटर एक्स एंड वाई कंसिडर कर सकते हैं हम तो हम कंसिडर करेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स लेट द एज ऑफ हिस्स डॉटर बी वाई सो सेवन ईयर्स अगो एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी सात साल पहले हम क्या करेंगे एज कितनी है तो उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो हम एक्स में से सेवन माइनस कर देंगे नाओ एज ऑफ डॉटर अब डॉटर की एज कितनी होगी सात साल पहले अभी प्रेजेंट एज में से हम सेवन माइनस कर देंगे ओके नाओ ना आफ्ताब कह रहा है कि आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यूअर नाओ आफ्ताब की एज कितनी है सेवन ईयर्स गो एक्स माइनस सेवन सो दिस इज सेवन टाइम्स वाई माइनस सेवन ये हमारे को आस इक्वेशन आ गई इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस 49. So सो को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी नाइन जब माइनस सेवन अपनी साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा राइट right साइड पे आके सो so, x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है नाउ फॉर अलज्रिकली ये मेरे पास आंसर आ गया है अब ग्राफिकली देखिए अगर हम x को जीरो पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो y कितना आएगा सिक्स फाइव तो लिया सेवन फाइव थर्टी फाइव तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस सेवन ना आफ्टर थ्री ईयर एज ऑफ आफ्टा बिज एक्स प्लस थ्री ईयर्स और जो प्रेजेंट एज डॉटर की है उसके अकॉर्डिंग एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी वाई प्लस थ्री ईयर्स ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ आई शेल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी तो थ्री टाइम्स करना है तो मीन्स एक्स प्लस थ्री मीन्स आफ्ताब कितना है थ्री टाइम्स है उसकी डॉटर से ओके okay? थ्री टाइम्स हमने कर दिया इसको सॉल्व करिए एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री वाई थ्री वाई से मल्टीप्लाई होगा थ्री थ्री से भी होगा प्लस नाइन नाओ थ्री वाई आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन थ्री लेफ्ट राइट पे आएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी सो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई विच इज अल्जेबरिकली नॉ हमें ग्राफिकली भी इसको करना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी विल टेक वेल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ओके एक्स वाई अब पहले आप एक्स को अगर आप जीरो पुट करते हो इस इक्वेशन में सेकेंड में तो वाई कितना आएगा माइनस टू ना अब आप क्या करोगे वाई को आप जीरो पुट करके देखिए इसमें तो एक्स क्या आएगा सिक्स अब दोनों को आपने ग्राफिकली ड्रॉ करना है विल मार्क द पॉइंट एक्स जीरो वाई सिक्स सो एक्स ज़ीरो इज हेयर एंड वाई इज सिक्स वाई इज हेयर इज सिक्स दिस इज द पॉइंट ज़ीरो सिक्स नेक्स्ट इज एक्स माइनस सेवन वाई फाइव ना एक्स इज माइनस सेवन दिस इज माइनस सेवन एंड वाई इज फाइव So we will draw dotted lines. So this is the point minus seven five. Now we will join the line. So this will be like this. Okay. Now next points are x0 y minus 2. So x 0 is here, y minus 2 is downward. So this is here. 0 minus 2. Next is x6 y 0. Now x is 6 y 0 is here. 6 0. Now we will have to make this line also. So this is the graph. This is graph of first equation. This is graph of second equation. Now next question is. द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फ्राम रुपीज़ थ्री थर्टी नाइन हंड्रेड लेटर शी बाय नदर बैट एंड थ्री बॉल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड अब इसको जिब्रिकली और जोमेट्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड लेट कॉस्ट ऑफ बॉल हम मान लेते हैं इज इक्वल टू रुपीज़ वाई ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है अब थ्री बैट्स हैं थ्री बैट्स मीन्स थ्री एक्स प्लस बॉल्स कितनी है सिक्स अब सिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा वाई से किसकी किसके इक्वल है ये दोनों की कॉस्ट थर्टी नाइन हंड्रेड ठीक है ये हमारी पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है अब इसको आगे सॉल्व करना चाहिए यू कैन सॉल्व इट यू कैन डिवाइड होल इक्वेशन बाय थ्री सारी इक्वेशन को थ्री से डिवाइड करें एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री वन जी थ्री 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 जी नाइन थर्टीन हंड्रेड दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन और वी कैन से सेकेंड इक्वेशन नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन वो क्या कह रहा है अनदर बैट एंड थ्री बॉल्स अनदर बैट मीन्स एक ही बैट है हमारे पास एक्स प्लस बॉल्स कितनी है आपके पास थ्री मोर बॉल्स मीन्स थ्री वाई ये किसकी इक्वल है दोनों की कॉस्ट फिफ्टीन हंड्रेड के दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन राइट हम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया है सो दिस इज अल्जेब्रिकली ठीक है ये अल्जेब्रिकली हमारे पास दो आंसर आ गए हैं इन सेकेंड इक्वेशन अगर आप एक्स को जीरो पुट करते हो तो वाई का आंसर क्या आएगा थर्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू मीन्स सेवन हंड्रेड फिफ्टी राइट अगर आप वाई को यहां पर जीरो पुट करते हो y को हमने जीरो पुट किया तो x का आंसर क्या आ रहा है थर्टीन हंड्रेड थर्ड इक्वेशन के लिए अगर आप x को जीरो पुट करते हो तो y का आंसर बच्चे क्या आएगा x जीरो हो गया थ्री uh, के साथ फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइड होगा थ्री फाइव फिफ्टीन फाइव हंड्रेड अगर आप y को जीरो पुट करते हो तो x का आंसर क्या आएगा फिफ्टीन हंड्रेड हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे इसको नाउ वी विल मार्क द पॉइंट एक्स जीरो अब एक्स और वाई जीरो यहाँ पॉइंट पे होते हैं एक्स जीरो वाई कितना है सेवन फिफ्टी लाइज बिटवीन सिक्स हंड्रेड एंड एट हंड्रेड दिस इज सेवन हंड्रेड एंड दिस मीन्स दिस इज सेवन फिफ्टी सो द पॉइंट जीरो सेवन फिफ्टी नो नेक्स्ट इज एक्स इज थर्टीन हंड्रेड वाई ए ज़ीरो वाई ए जीरो वेयर एक्स इज हाउ मच थर्टीन हंड्रेड थर्टीन लजन ईयर इज थर्टीन हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड जीरो नाउ For the second equation, x0, y500. x0 is here, y is 500. It lies between here. So, this is the point 0, 500. Next is 1500, y0. x is 1500. So, we have marked the point here. Now, we will draw the or plot the lines. So, this is the first equation 0, 750. थर्टीन हंड्रड जीरो सो दिस इज इक्वेसन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थर्टीन हंड्रेड वी विल राइट हेयर इक्वेसन इज एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रड सो बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइनस आ गई सो दिस इज द ग्राफ ओके दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड क्वेश्चन इज द cost ऑफ two किलोग्राम ऑफ़ एप्पल्स एंड one किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज पाउंड टू बी rupees one sixty. अब एक दिन क्या था जो कॉस्ट थी दो किलो एप्पल्स की और एक किलो ग्रेप्स की कितनी थी रुपीज़ one sixty. अब एक महीने बाद बताया गया है तो cost ऑफ four किलोग्राम ऑफ़ एप्पल्स चार किलो एप्पल्स कितने के थे और दो किलो ग्रेप्स कितने के थे three hundred के एक मंथ बाद बताया गया है four किलो एप्पल्स एंड two किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स कितने के थे रुपीज़ थ्री हंड्रेड के हम इसको जिब्रिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे जोमेट्रिकली कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू एक्स रुपीज ओके एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स वाई रुपीज अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें अब टू किलोग्राम ऑफ एप्पल्स मतलब टू एक्स प्लस एक किलो क्या थे ग्रेप्स वन वाई और वाई विकेला भी लिख सकते हो किसके इक्वल है रुपीज़ वन सिक्सटी के दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन Now, क्या बन रही है? एक महीने बाद चार किलो एप्पल थे और दो किलो ग्रेप्स थे कितने के थे थ्री हंड्रेड के दोनों इक्वेशन बन गई दिस इज कॉल्ड अल्जेब्रिकली इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इजी बनाने के लिए नो फॉर अल्जेब्रिकली ये मेरे पास आंसर आ गया है अब ग्राफिकली देखिए अगर हम एक्स को जीरो पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो वाई कितना आएगा सिक्स डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय टू सो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन फिफ्टी इक्वेशन थोड़ी इजी हो गई है राइट सो येब्रिकली आ गया अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है टू एक्स प्लस वाईज टू वन ना वीविल्वल टू आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फोर्टीन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेंटी राइट ना वो पुट वाई इज इक्वल टू फोर्टी अगर y फोर्टी होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी वन सिक्सटी माइनस फोर्टी वन ट्वेंटी तो ये आ जाएगी आपके पास डिवाइड करोगे टू से सिक्सटी नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए थर्ड में अगर x आपके पास सेवेंटी होगा हम सेम वैल्यू लेके चलते हैं x सेवेंटी है तो वन फोर्टी हो जाएगा वन फिफ्टी माइनस वन फोर्टी टेन अगर आपके पास y फोर्टी होएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x सेवेंटी वाई इज ट्वेंटी ये है आपके पास ये बन गया ये देखिए इस तरीके से आएगा सेवेंटी ट्वेंटी नौ एक्स सिक्सटी एक्स हमारे पास सिक्सटी है तो वाई कितना है फोर्टी तो ये यहाँ पर आएगा बेटा यू कैन ज्वाइन इट वन, फोर्टी तो आप इन दोनों दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ये वाले सो so, ये लाइन ऐसे आ रही है हमारे पास ओके दिस लाइन इज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन सिक्सटी ना नेक्स्ट इज अगर एक्स सेवनटी हो वाई टेन हो ये इस तरीके से बनेगा वाई हमारे पास टेन है एक्स सेवेंटी है तो यहां पे आ रहा है सेवेंटी एंड टेन अगर x फिफ्टी फाइव हो y फोर्टी हो x फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव यहाँ पे लाई करेगा y कितना हो फोर्टी हो अब इसको भी आप देखिए करिए फोर्टी की लाइन यहीं पे आ रही है ये यह यहाँ पे है राइट right? यहाँ पे पॉइंट आ रहा है अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे दिस इज पैरलर लाइन सो दिस इज द ग्राफ आई थिंक दिस क्वेश्चन आर क्लियर टू यू Thank you. So.